हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक अपडेट है, खासकर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं। देखिएगा, जो पुलिस विभाग है और जो वन विभाग है, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या रहा करता था ना, कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको सालाना 12 महीने की सैलरी मिलती थी, और पुलिस वालों को 13 महीने की सैलरी मिला करती थी। ठीक है ना, एक मंथ की जितनी सैलरी रहती है वो एक्स्ट्रा मिला करती थी। तो अब देखिएगा है क्या कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी भी मांगे कई काफ़ी पुरानी रही हैं, काफ़ी पहले से कर रहे हैं कि उनको भी 13 महीने की सैलरी दी जाए। तो बाद में अब एक भोपाल समाचार की एक रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक क्या है ना कि एक बैठक हुई है और ये प्रस्ताव वन विभाग द्वारा सरकार के समक्ष गया है, और ये बात अब मान ली गई है। मतलब कि अब सरकार जल्द ही जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को मान ली है। तो बाद में ये माननीय मंत्री जी, जो वन मंत्री जी हैं, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। और आप देखेंगे कि अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 13 मंथ की सैलरी मिलेगी, और बाकी बहुत सारी मांगे और हैं, 12 मांगे हैं जिन पे सहमति बनी है। तो बाद में ये अपडेट रही है दोस्तों। जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ लाता रहूँगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनका ग्रेड पे आए दिन कई बार कई दफ़ा बढ़ा है। और वहीं पे दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जो लिपिक हैं उनकी 35 साल से कोई भी मांगे नहीं मानी गई है, मतलब उनको सप्रेस करके रखा गया है। तो देखते हैं कि इस बार लिपिकों का ग्रेड पे बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। धन्यवाद।